अभी हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हफड़ा दफड़ी सी मची हुई है, यानी कि किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा एक्सचेंज यूज़ करना चाहिए। काफ़ी सारे एक्सचेंजेस आ जाते हैं, चाहे हम डेक्स की बात करें, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात करें, यहाँ पे 5 वॉलेट्स की बात करें, हम वॉलेट्स के ऊपर भी पैसा रख रहे हैं, इवन फिजिकल वॉलेट्स के ऊपर भी पैसा रख रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक ऐसा एक्सचेंज चाहिए जिसके ऊपर हम अमाउंट रख भी पाएँ, यूज़ भी कर पाएँ, ट्रेड भी कर पाएँ, या वहाँ पे हमें सारी फैसिलिटीज़ वो मिले जो कि हमें जनरली बाइनेंस के ऊपर मिल रही हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि OKX जैसी एक्सचेंजेस इंडिया को छोड़कर जा रही हैं क्योंकि वो कंप्लाई नहीं कर पा रही हैं। कुछ एक्सचेंजेस ऐसी भी हैं जो कि कंप्लाई कर रही हैं, जिससे क्या है कि फिर से हमारे ऊपर ही पूरा बोझ आ जाएगा, यानी कि 30% का टैक्स और 1% का TDS। यानी कि यहाँ पे एक सही एक्सचेंज चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अगर डेक्स भी आते हैं तो डेक्स भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें डेक्स का थोड़ा बहुत यूजेज तो होगा, यानी कि स्वैप तो हम कर सकेंगे, लेकिन जो एक्चुअल यूजेज हमारी रहती है ट्रेडिंग करना, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना, वो नहीं रह जाता। जो हमें बाइनेंस के ऊपर इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं वो ऑप्शंस नहीं मिलते। और अगर हम ऐसा वैसा कोई भी डैक्स या सेंट्रलाइज एक्सचेंज चूज़ करते हैं तो उसके ऊपर स्पीड की कमी होती है, लिक्विडिटी सही नहीं होती, यानी कि ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर मैच नहीं होता, या फिर ऑर्डर जहाँ पे लगाते हैं तो वो बहुत उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, यानी कि स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऑर्डर मैचिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये कि अगर डैक्स अगर हम यूज़ करें, लेकिन डैक्स के ऊपर ये सारे फीचर्स आते नहीं हैं, बहुत ही कम ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर हमें ये सब कुछ मिलता है। हमारे इंडिया में अभी काफ़ी सारे एक्सचेंजेस बैन हुई हैं, उनका URL बैन हुए हैं, वो अभी एप्पल स्टोर के ऊपर या फिर प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है, जिस कारण हम इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को डाउनलोड नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। तो उसका एक पहले ऑल्टरनेटिव रहा है Vertex के नाम से, जो बहुत ही सही ऑल्टरनेटिव रहा था, यानी कि उसके ऊपर KYC भी नहीं करनी है। अगर KYC नहीं करते हैं तो टोटली डिसेंट्रलाइज रहता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो इसका मेन मकसद यही है कि हम इसको डिसेंट्रलाइज वे में यूज़ कर पाएँ। अब ऐसे ही एक और सोल्यूशन आया जो कि ब्लिट्स के नाम से, बिल्कुल बाइनेंस की तरह है, लेकिन ये होने वाला है ऑन चेन। तो ऑन चेन का फायदा क्या होता है वो हम सब कुछ अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो यूजेज को भी समझेंगे, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स काफी सारे हैं। उनमें से एक जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक ऑल्टरनेटिव रहने वाला है, तो आज नहीं तो कल आप ये यूज करने ही वाले हो, लेकिन इसको समझ लेना इस वीडियो के द्वारा, जो आज चाहे आप यूज करो ना करो, लेकिन आने वाले समय में आपको यही ऐसा ऑल्टरनेटिव डेक्स यूज करना पड़ेगा जिसके ऊपर बाइनेंस जैसे सारे फीचर्स आपको मिल जाएं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफ्ट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैं सारी अपडेट्स खुद पर्सनली सबसे पहले डालता हूं। तो इससे पहले क्या है कि हमें Vertex के ऊपर सिंक्रोनस ऑर्डर बुक लिक्विडिटी मिली है, लेकिन अभी जो ब्लिट्स के नाम से आया है यहां पे हमें एक अगेन सिंक्रोनस डेक्स लिक्विडिटी मिलने वाली है ब्लास्ट के ऊपर, जो कि अपना एक नया अलग से ब्लॉकचेन लेकर आया है, लेकिन यहाँ पे आपको जो फीचर्स मिलेंगे वो सबसे ज़्यादा यूनिक है, यानी कि आप एक चेन से दूसरी चेन पर इजीली ट्रांजैक्शंस कर पाओगे। तो Vertex क्या था कि वो आर्बिट्रम के ऊपर आया था, Vertex एज ये अपना खुद का ऑफ चेन ऑर्डर बुक लेकर आए थे जिसके ऊपर हमें सिंक्रोनस लिक्विडिटी मिली है, यानी कि यहाँ पे सारी चेन्स के ऊपर ट्रांजैक्शंस पॉसिबल थी। तो अभी आपको ब्लिट्स के ऊपर स्पॉट परपेचुअल एंड इंटीग्रेटेड मनी मार्केट मिलने वाला है, यूनिफाइड क्रॉस मार्जिन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर है, इसी के साथ ऑर्डर मैचिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, लेटेंसी सिर्फ 5 से 15 मिलीसेकंड्स की है, 30+ आपको स्पॉट्स एंड परपेचुअल पेयर्स मिलने वाले हैं, और अच्छी चीज़ ये भी है कि 0 ट्रेडिंग फीस लगने वाली है मेकर्स के लिए। तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, हम जनरली बाकी एक्सचेंजेस जो इंडियन यूज़ करते हैं उनके ऊपर ट्रेडिंग फीस तो काफ़ी ज़्यादा होती होती है, इसी के साथ हमें 1% TDS भी लग जाता है, और यहाँ पे 2 BPS की ट्रेडिंग फीस लगेगी टेकर्स के लिए सारी मार्केट्स के ऊपर। स्केलेबल लिक्विडिटी मिलने वाली है, तो इससे पहले ऑलरेडी ब्रिट्स विन कर चुका है ब्लास्ट कॉम्पिटिशन को, जिसमें प्रेप्स के डेक्स का कॉम्पिटिशन था, तो यहाँ पे 100% जो टोकन्स हैं वो कम्युनिटी में ही बांटे जाएंगे, और ये पॉइंट्स प्रोग्राम के द्वारा होने वाले हैं। तो यहाँ पे हज़ारों डॉलर्स का एक रिवॉर्ड मिलने वाला है, एक ऐसा आपको एयरड्रॉप मिलने वाला है, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सोशल टास्क पूरे करने हैं। तो एक तो आपके पास तरीका ये रह जाता है कि अगर आप यहाँ पे galaxy.com के ऊपर जाते हो, यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स हैं वो इकट्ठे होंगे अगर आप यहाँ पे ऑन बोर्ड होते हो, जिससे क्या कि फॉर एग्जांपल आपने ट्वीट कर दिया, कोट करके रीट्वीट कर दिया, इसी के साथ यहाँ पे अगर आप फॉलो करते हो, फिर विजिट करते हो ब्लिट्स ऐप को, फिर फॉलो करते हो ट्रेड ऑन ब्लिट्स, इसी के साथ और भी काफ़ी सारे ऐसे बहुत से ऑप्शन दिए गए, जिससे क्या कि आपके पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट ऑन ब्लिट्स, उसके भी अलग से पॉइंट हैं, रेफर करते तो उसके भी 5-5 पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर आप पॉइंट्स इकट्ठे करते तो आपको यहाँ पे काइंड ऑफ एयर ड्रॉप मिलने वाला है, चांसेस आपके उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा आपके पास ये भी तरीका है कि अगर आप ब्लिट्स को यूज़ करते हो, रेफर करते हो, इसके ऊपर ट्रेडिंग करते हो, तो उससे भी आपके जो पॉइंट्स पड़ने वाले हैं। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी कोई ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट आता है तो उसके ऊपर जितना ज़्यादा हम पार्टिसिपेट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ट्रेड करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो उससे हमारे पॉइंट्स बनते हैं, आने वाले समय में हमेशा हमें उसके कुछ ना कुछ एयरड्रॉप्स मिलते ही रहते हैं, क्योंकि हमने उसको एक समय पर यूज़ किया था, जो कि जनरली क्या होता है कि मेन नेट लॉन्च होने से पहले हम यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने
ब्लिट्स पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, वो आप कर सकते हो गैलेक्सी कैंपेन के द्वारा। और इसी के साथ आप अपना वॉलेट सेटअप करके डिपॉजिट कर सकते हो ब्लिट्स के ऊपर, जो कि ब्लास्ट मेनेट के ऊपर रहने वाले हैं। ये बहुत ही आसान आपको रहेगा पॉइंट्स इकट्ठे करने में और बड़ा एयरड्रॉप लेने के लिए। तो इस डेक्स की सक्सेस क्या हो सकती है, ये हम अंदाजा वर्टेक्स से ही लगा सकते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो $60 बिलियन से भी ज़्यादा ऑलरेडी टोटल वॉल्यूम है, मार्केट्स 30+ हैं, नंबर ऑफ ट्रेडर्स 20,000 से भी ज़्यादा हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका मेन फीचर यही है, लाइटनिंग फास्ट ऑर्डर बुक है और वो भी डेक्स के ऊपर। ट्रेडिंग अच्छी है, पावरफुल है, वो तो है ही, लेकिन क्रॉस मार्जिनिंग है फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो आप देखोगे वर्टेक्स भी ऑलरेडी एक अच्छे सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरह दिख रहा है। सिमिलरली अभी जो ब्लिट्स है वो भी सिमिलर आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। तो ये पहले आर्बिट्रम के ऊपर था, अभी हम ब्लास्ट के ऊपर जो ब्लिट्स आने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। तो अगर हम वर्टेक्स की ही बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वर्टेक्स की वैल्यू, इसके खुद के कॉइन की वैल्यू बहुत अच्छी चल रही है। वर्टेक्स प्रोटोकॉल अभी $0.3 के आसपास रहते हैं। लेकिन ब्लास्ट की बात करें तो इथेरियम L2 मेननेट इन्होंने लॉन्च किया, जिसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी स्टेक हो चुके हैं। ब्लिट्स की ऐप की बात करें, यानी कि इसका जो डेक्स है ये आप सामने देख सकते हैं, app.blitz.exchange, इसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा इंटरफेस मिलने वाला है। यहाँ पे आप जो USDB देख रहे हैं ये ब्लास्ट के ऊपर USD है, जैसे कि USDC होता है, USDT होता है, वैसे यहाँ पे आप रैप्ड इथेरियम भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे इजीली जो होने वाला है वो USDB होने वाला है। तो इस एक्सचेंज के ऊपर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम ब्रिज यूज़ करने वाले हैं, Rhino.fi यूज़ करेंगे एज ए ब्रिज, अगेन इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ हम थ्रस्टर यूज़ करने वाले हैं ताकि हम टोकन को ईजिली कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास जो चेन्स अवेलेबल हैं राइनो के ऊपर, वो आर्बिट्रम 1 है, ऑप्टिमिज्म है, स्टॉल है, स्टार्कनेट है, ZK सिंक एरा है, लेकिन हमारे पास जो अभी टोकन्स पड़े हैं वो आर्बिट्रम के ऊपर हैं। तो हम आर्बिट्रम को कन्वर्ट करने वाले हैं ब्लास्ट में। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें मेटामास्क आता है, इवन ट्रस्ट वॉलेट है, वॉलेट कनेक्ट है, हमने यहाँ पे मेटामास्क कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका जो वॉलेट है उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा, फिर यहाँ पे जो L2 की एक्सेस है वो भी इनेबल करी जाएगी। तो ये आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले सिग्नेचर रिक्वेस्ट को साइन कर देना है, जो फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वॉलेट कनेक्टेड है, वॉलेट कनेक्टेड सक्सेसफुली। फिर आपने ऑथेंटिकेट योर वॉलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर आपने L2 की एक्सेस को इनेबल कर देना है। अगेन आपसे यहाँ पे साइन की परमिशन मांगी जाएगी, तो आपने साइन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो चुका है, आप रेडियो ब्रिज को यूज़ करने के लिए, ब्रिज स्वैप एंड इन्वेस्ट तीनों को यूज़ करने के लिए Rhino.fi के ऊपर। तो यहाँ पे आपने डन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास कितना पड़ा है, 0.002 जितना भी इथेरियम पड़ा है वो मैक्सिमम हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। तो ये मैक्सिमम जो अमाउंट है यहाँ पे सामने आ चुका है, जो कि लगभग अभी $9-10 के आसपास चल रहा है, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो इसमें ब्लास्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये $7.5 के आसपास बन रहा है। तो ये इथेरियम ब्लास्ट में ब्रिज होकर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ब्लास्ट ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आर्बिट्रम से ब्लास्ट के ऊपर इसको ले जाएंगे। तो आप हमारा जो कन्फर्मेशन है ब्रिज डिपॉजिट का, वो ये आप सामने देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन दिख रही है वॉलेट की। अगेन यहाँ पे हमने कन्फर्म करना है, जो कि मेटामास्क परमिशन मांगेगा, हमने कन्फर्म कर देना है। और कन्फर्म करने के बाद आप यहाँ पे डिपॉजिट का देख सकते हैं, कन्फर्म्ड आपको सामने दिखने वाला है। और इसी के साथ आपको सक्सेस का ये भी दिख जाएगा कि कितना टाइम लगा, कितने टाइम में ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो डेस्टिनेशन ब्लास्ट, यानी कि ब्लास्ट ब्लॉकचेन के ऊपर ये सारे के सारा अमाउंट जा चुका है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आप रीसेंट ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। तो फाइनली जैसे हो जाएगा, हो सकता है आपको साथ के साथ ना दिखे, लेकिन जैसे हो जाएगा आपको वॉलेट में दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद हमें थ्रस्टर के ऊपर जाना है, क्योंकि थ्रस्टर के ऊपर हम कॉइन यूज़ करने वाले USDB, जो कि ब्लिट्स के ऊपर पड़ा है। एंड एज यूजुअल जो स्टेबल कॉइन है वही बेटर रहता है, इथेरियम की जो वैल्यू है ऊपर नीचे चलती रहती है। तो अभी हम थ्रस्टर के ऊपर आएंगे, यहाँ पे हमने वॉलेट कनेक्ट करना है। तो हमारा जो भी इथेरियम है वो हम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने मेटामास्क को सिलेक्ट कर लिया, एंड यहाँ पे कन्फर्मेशन देनी है, जो कि नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड फाइनली कनेक्ट कर देना है। तो हमारा यहाँ पे जो वॉलेट है कनेक्ट हो चुका है, लास्ट बार साइन मांगेगा, फिर इसके बाद ये नेटवर्क को स्विच करने का बोलेगा, क्योंकि ये चेन अनसपोर्टेड है। तो हमने ब्लास्ट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ब्लास्ट चेन के लिए यहाँ पे फिर से कन्फर्मेशन मांगी जाएगी, या फिर यहाँ पे अप्रूवल मांगा जाएगा। तो आपने यहाँ पे अप्रूव कर देना है, नेटवर्क को स्विच कर देना है, जो कि पहले आर्बिट्रम था, अभी ब्लास्ट में आ चुका है। तो आप यहाँ पे देखोगे हमारा इथेरियम जो है ब्लास्ट का वो दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने ब्लास्ट ब्लॉकचेन यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है मेटामास्क की, तो ये सामने दिख रहा है। तो ब्लास्ट के ऊपर हमारा जो इथेरियम पड़ा है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, USDB में, क्योंकि स्टेबल कॉइन में इसको हमने कन्वर्ट करना है। मैक्सिमम करके यहाँ पे हमने USDP को कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे हम स्वैप कर लेंगे, क्योंकि अभी ये ब्लास्ट ब्लॉकचेन के ऊपर आने वाला है, जो कि हमारा पहले इथेरियम था, अभी USD यानी कि एक स्टेबल कॉइन बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे बोलता है कि मैक्सिमम जो अमाउंट है वो यूज़ हो रहा है, यहाँ पे जो गैस फी के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो हमने अमाउंट जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर देना है, थोड़ा सा कम करेंगे।
इससे क्या कि रेस्ट ऑफ द अमाउंट यूज़ किया जाएगा गैस के लिए। फिर हमने अभी स्वैप करना है, तो अब क्योंकि अमाउंट थोड़ा कम है तो यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर आपके पास जनरली भी थोड़ा एक्स्ट्रा इथेरियम होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे स्वैप हो जाएगा। तो इसके बाद हमने कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद आप देखोगे स्वैप को कंफर्म किया जा रहा है, जो कि यूएसडी में यूएसडीबी में कन्वर्ट किया जा रहा है इथेरियम को। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे वॉलेट के ऊपर क्लिक करके तो मल्टी कॉल में यहाँ पे कन्फर्म दिखा रहा है $6.88 हमारा जो इथेरियम पड़ा था। इस ट्रांजेक्शन को हम चेक भी कर सकते हैं जो कि ब्लास्ट स्कैन के ऊपर दिखेगी और ऑलरेडी ये सक्सेस दिखा ही रहा है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, जनरली जैसे कोई भी हम एक्सप्लोरर देखते हैं तो यहाँ पे अभी सब कुछ दिख जाएगा। अब हम ब्लिट्स के ऊपर चलते हैं। अगेन यहाँ पे हम वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, अगेन मेटामास्क भी कनेक्ट करने वाले क्योंकि हम वहीं पे हमारा जो अमाउंट है वहीं पे बढ़ा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करके कनेक्ट कर देंगे, हमारा मेटामास्क कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं उसको हमने एग्री कर लेना है, आप पढ़ भी सकते हो अगर चाहें तो। एंड इसके बाद स्टार्ट ट्रेडिंग का ऑप्शन हमें मिलने वाला है। सेल्फ कस्टडी दिखाई जा रही है कि यहाँ पे ट्रेड स्पॉट एंड परपेचुअल सेल, लैंड एंड बोरो, यूनिवर्सल क्रॉस मार्जिन, लाइटनिंग फास्ट, ये सब सारे फीचर्स हम स्टार्टिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने डिपॉजिट फंड्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे 100% हमने कर दिया यूएसडीबी। तो ये हम डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करने वाले हैं कि जितना हमारा अमाउंट पड़ा है वो पूरा का पूरा यहाँ पे इस ब्लिट्स एक्सचेंज के ऊपर आ जाएगा। तो हमारा जो डिपॉजिट है वो कन्फर्म होगा, यहाँ पे अगेन परमिशन मांगी जाएगी जो कि हमने कन्फर्म कर देना है। तो मेटामास्क के ऊपर कन्फर्म करते ही एसेट डिपॉजिटेड को आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि एसेट अभी डिपॉजिट फाइनली इसके ऊपर हो चुका है। तो अगेन ये हमारी सेल्फ कस्टडी ही है, तो और भी ज़्यादा सिक्योर रहने वाला है जो अमाउंट आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो नेट बैलेंसेस में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अपना डिपॉजिट करोगे ब्लिट्स के ऊपर। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हो तो डिपॉजिट से क्या है कि आपके यहाँ पे पॉइंट्स ज़्यादा बनते हैं, जितने ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे ब्लिट्स टोकन, जो आने वाले समय का टोकन है, वो भी मिलेगा। तो इसके बाद ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रेप्स यानी कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग एंड इसी के साथ स्पॉट भी आपको मिल ही रहा है, जिसमें अलग अलग मार्केट्स हैं, इथेरियम की है, बीटीसी, कर्व, सोल, ओपी, काफ़ी सारे अच्छे कॉइंट्स हैं। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कॉइंट्स इसमें यहाँ पे ब्लिट्स के ऊपर आपको मिलने वाले हैं जो आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। फॉर एग्जांपल हमने डॉट का यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आप ऑर्डर बुक देखोगे, ऑर्डर बुक ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे सिंक्रोनस लिक्विडेशन आपको मिलने वाली है। ऑर्डर बुक भी बहुत ही लाइटनिंग फास्ट रहने वाली है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फास्ट दिख रही है, आप देख सकते हैं। और स्प्रेड का परसेंटेज भी दिखा रहा है कि स्प्रेड बहुत ही ज़्यादा कम है। तो लेवरेज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, 10x तक की लेवरेज यहाँ पे दिखाई जा रही है। अगर हम इसको 1x, 2x जितना चाहे उतना सिलेक्ट कर सकते हैं, हमने 2x यहाँ पे कंफर्म कर दिया। हमारे पास स्टेबल कॉइन पड़ा है, कौन सा, USDB पड़ा है, और हमने 100% सेलेक्ट किया जो कि अभी टोटल 10.93 USDB है। इसी तरीके से यहाँ पे बाकी मार्केट्स भी हैं जिसमें आप बाकी इन मार्केट्स से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मन चाहा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैटिक हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, या फिर आप कोई और चेक करते जैसे कि XRP पड़ा है यहाँ पे, इसका भी आप इजीली ट्रेड कर पाएंगे एंड लेवरेज भी मिल रही है। तो डेक्स के ऊपर आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलना जैसे कि जनरली बाइनेंस के ऊपर मिलते हैं, वो शायद आपको इसी ब्लिट्स एक्सचेंज के ऊपर ही मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 3x का लेवरेज लिया, 100% कर दिया, कंफर्म ट्रांजैक्शन कर देनी है, यहाँ पे अगेन मेटामास्क यहाँ पे परमिशन मांगने वाला है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस हमें सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से होगा वो सिर्फ इतना कि यहाँ पे परमिशन मांगी जाएगी, आई थिंक, जो अच्छी बात है। यहाँ पे हम खुद साइन करेंगे, मैनुअली साइन करेंगे, देख सकते हैं ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर फिल हो चुका है 20 XRPs का। तो 20 XRP का आप यहाँ पे ऑर्डर देख सकते हैं, इसको कभी भी कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर इसमें जो चेंजेस लाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो परपेचुअल्स ट्रेडिंग आपको शायद ही किसी ऐसे डेक्स के ऊपर मिलती होगी जो आप यहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम एक कोई भी जनरल सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पे आपको ना तो KYC करनी है, कुछ भी नहीं करना है, और टोटली डिसेंट्रलाइज वे में आप यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। तो यही सभी ऑप्शन ढूंढना चाह रहे थे कि ऐसा कोई ऑप्शन हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट लिमिट एंड इसी के साथ स्टॉप मार्केट सब कुछ आपको सारे के सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। स्टॉप मार्केट की बात करें तो जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रिगर चूज़ कर लिया कि कितने पे ट्रिगर होना चाहिए ऑर्डर और अमाउंट कितना हमने यहाँ पे लगाना है, तो ये बहुत ही आसान रहता है, जो कि मुझे लगता है कि बाकी डेक्स के ऊपर तो हमें सिर्फ स्वैप करने का ही ऑप्शन मिलता है, और वो भी प्राइसेस एंड लिक्विडिटी कम होती है, प्राइसेस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, एंड इसको हम जो हमने ट्रेड लगाया हुआ है इसको कभी भी क्लोज भी कर सकते हैं। अब आप देखोगे ब्लिट्स के ऊपर आपको पॉइंट्स भी दिखने वाला है, पॉइंट्स का ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे आपके पॉइंट्स जो हैं वो इकट्ठे होते रहेंगे, पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप यहाँ पे रेफर भी कर सकते हैं, रेफर करके भी अपना जो लिंक है कॉपी करके आगे आप दे सकते हैं किसी को भी, इससे भी आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स बनने वाले हैं। और पॉइंट्स की बात करें तो आपको ऑलरेडी लिंक मैं देने वाला डिस्क्रिप्शन में galaxy.com का, जिसके ऊपर सारे तरीके बताए होंगे कि आपने कैसे कैसे पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, चाहे वो ट्वीट करके, कोट रीट्वीट करके, किसी अकाउंट को फॉलो करके, ये सभी ऑप्शन इन्होंने खुद दिए हुए हैं। तो डिपॉजिट करके ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पे हमने मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट कर लेना है galaxy.com के ऊपर,
तो वॉलेट तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन ही मिलने वाले हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे मेटामास्क देखा तो हम मेटामास्क को कनेक्ट कर सकते हैं जो कि ईजिली कनेक्ट होने वाला है, लेकिन ऑप्शन सारे आपको यहीं पे मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी नए डेक्स में कुछ भी करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो, डिपॉजिट करते हो, वो तो सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है, और इन्हीं के साथ इनको सपोर्ट करते हो किसी भी नए प्रोजेक्ट को, तो इससे आपके पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं। तो एयर ड्रॉप आपको सिर्फ अभी नहीं बल्कि आने वाले समय में भी कभी भी इनके ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी कॉइन लॉन्च होता है तो ऐसे काफ़ी सारे एयर ड्रॉप्स मिलते रहते हैं, जो कि हमारी पिछली भी काफ़ी सारी ब्लॉकचेन्स के ऊपर आज तक मिलते आए हैं। तो इतना ही आपने करना है, कोई भी आपको डाउट हो नीचे कमेंट करें, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप कि आपको ब्लिट्स के बारे में समझ आएगा, वन ऑफ द बेस्ट टॉप डेक्स है और वैसे भी इनको रिवॉर्ड मिल चुका है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी हमेशा पहुंच रहें। धन्यवाद।